वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक। एक नए मिनी व्लॉग कह लीजिए, एक व्लॉग में आपका स्वागत है। हम लोग जैसे कि आपने पिछले व्लॉग में देखा, गुरुद्वारा श्री कटाना साहिब देगसर साहिब के दर्शन करके आए हैं, आपको भी करवाए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। और इस टाइम जो नहर आपको पिछले व्लॉग में दिखाई थी, सरंद कनाल, जो बड़े साल पुरानी बनी हुई है, रोपड़ के पास से निकलती है, रूपनगर शहर पंजाब में है जो, वहाँ के पास से निकलती है, वो सारी अभी भी मेरे साथ साथ में चल रही है ऑन माय राइट। तो अभी एक आगे जाके पॉइंट आता है जहाँ पे ये नहरें तीन हो जाती हैं। तो इस नहर को लाइफ लाइन ऑफ पंजाब भी बोलते हैं। अब लाइफ लाइन ऑफ पंजाब की बोलते हैं, इसके बारे में हम आपको डिटेल वहीं जाके खड़के बाहर जब बात करेंगे और नहरें दिखाएंगे तीन कहाँ को कहाँ चलेगी, वहीं इसके बारे में सिलसिला इसका जारी रखेंगे। लेकिन ये व्लॉग काफी टाइम से पेंडिंग पड़ा था। पिछले बार भी हम जब कटाना साहब आए थे तो पापा ने बोला था आपको एक नई चीज दिखाता हूँ, उस टाइम थोड़ा ऐसे डिले कर दिया, तो आज वो वक्त आ गया है आपको एक नई इन्फॉर्मेशन, एक नई नॉलेजेबल वीडियो दिखाने का। ठीक वहीं जाके इस चीज को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी, मेरे राइट साइड पे चल रही है कनाल, सरंद कनाल बोलते हैं इसको, पानी देती है सारे पंजाब को, लाइफ लाइन है पंजाब की, धरती से नीचे चलती है। वो बताएंगे आगे जाके, गाड़ी से उतर के ना थोड़ा एरिया आ जाए वहाँ पे, खड़के आराम से आपसे वार्तालाप करेंगे, एक नॉलेजेबल चार पाँच मिनट का, छः मिनट का आपको आपसे बात करेंगे और आपको साथ साथ में उस चीज़ की जो वीडियो है बना के दिखाएंगे ताकि आप लोग समझ सकें। ये देखो नहर साथ साथ में, अरे हाईवे देखो, ये कहाँ जाता है, मोगा, फिरोजपुर, मोगा, लुधियाना भी जाता है यहाँ से। देखो नहर दिख रही है आपको, पानी देखो कितना ऊपर है इसका, बाईपास है, सदरन बाईपास, और सड़क भी अच्छी बनी हुई इधर देखो, एडवांटेज है जो नहर के ऊपर सड़क बनती है ना वो कभी टूटती नहीं है क्योंकि पानी नहीं रुकता ना उसके ऊपर। अच्छा, इसलिए सड़क टूटती इसलिए है कि पानी खड़ा हो जाता है उसपे। नहीं अगर यहाँ बरसात होगी तो पानी नहीं खड़ेगा, नहीं खड़ेगा, नहर में चल जाएगा, सड़क नीचे ऊंची जगह है ना ये। मोगा 88, फिरोजपुर 143, तेई लुधियाना, ये नहर है साथ साथ में जिसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले, आगे जाके थोड़ी बहुत नॉलेज शेयर करेंगे, जहाँ पे तीन हो जाएंगी, इसी में से दो निकलेंगी, तीन निकलेंगी, तीन तीन दो पांच हो जाती है, फिर और दो निकल जाती है आगे जाके, वो आगे जाके और, इसलिए लाइफ लाइन है पंजाब की जी, पूरे पंजाब को पानी दे रहे हैं। बनाई है, आर्टिफिशियल बनाई है ना ये, खुद बनाई है बाद में? हाँ, बाद में बनी है। हम थोड़ी आगे निकल आए थे, एक ब्रिज ऊपर चला गया, ये भी नहर है साथ में, इधर से भी दिखा सकते वैसे, खड़के तने दे दिए ने। हाँ तीनों दिखाएंगे भाई, ये पुराना ब्रिज यहाँ पे है, फिर यहाँ पे गाड़ी लगाते हैं आगे आगे, ये देखो इधर लगाओ, आगे 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 गाड़ी रोक के आपको उतर के दिखाते हैं क्या चीज है। देखो ये देखो, फिशिंग कर रहे हैं इसमें, ये पापा का सपना था काफी टाइम से चीज दिखाने का आप लोगों को। यहाँ से देखो, एक मिनट बंद, ये चलता रहेगा पीछे आवाज। अच्छा ये नारियल काट रहे ने, नारियल, ये जो है ये मेन नहर है जो पीछे से आ रही है, जिस जो मेन सरंद कनाल है रोपड़ से ये आ रही है, देखो ये तो क्रॉस करके चलेगी इधर को, ये किस जगह चलेगी, ये मोगा वगैरह निकल जाती है, मोगा एयरपोर्ट। अच्छा, और आगे जाके फिर दो हो जाएंगी, दो हो जाएंगी इसके आगे जाके, दो पोल उधर जाके दुगुर्जी, अब ये इधर से एक इधर को चलेगी, दो और तीसरी कहाँ है, अच्छा फिर आगे जाना पड़ेगा, जोड़े पुरानी है फेवरेट, जड़ी अपने पिंडा नु जांदी है, फेवरेट तो उधर है पापा वाली जोड़े पुल वाली, आ जाओ पानी बड़ा है, पानी बहुत है इसमें, हालांकि इसका पानी डिवाइड हो गया, अब तो गड्डी ले आए होंगे आप, आ जाओ लाया गड्डी लिया, मैं खड़ा इधर, ये मेन नहर अभी भी दिखा रहा हूं आपको, रोपड़ से आ रही है उधर से, ठीक है एक उधर को चलेगी, पहले आपको पहले नंबर वाली दिखाता हूँ, दूसरी ये री जो मेन आगे जाके दो हो जाएंगी, उससे भी दो हो जाती है आगे, हाँ आगे जाके दो हो जाएंगी, एक वो तीसरी है वो दिखाते हैं उधर हो जाती है दोनों में से। हाँ ये ऊपर वाला पुल है सीधा लुधियाने जा रहा है, हम पहले इस पे चढ़ गए थे क्रॉस करके, नहर भी उठे जा रही है, आ देखे, चुपड़ के दिखाओ, वो तो पुल पुराना होगा जो सामने है, हाँ ये देखो कितना पुराना ब्रिज है यहाँ पे,
जिस पे चढ़े थे, लेकिन ये तो कुछ ज्यादा ही पुराना लग रहा है। पानी बहुत पुराना है। ये हाईवे है देख लो ऊपर, ये पुराना है। ये क्या फंसा हुआ है इनमें? इस ये देखो वहां से दो थी, वहां से जो मेन वाली उधर को चलेगी, आगे जाके फिर दो होगी, ये किधर को आ गई? ये सितमा ब्रांच है, ये लुधियाना जाती है। सितमा ब्रांच है यूनिवर्सिटी के पास से होकर जाती है, ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को निकल गया। हाँ वो देखो वो कैसे फंसे हुए हैं, निकलते नहीं है वो, निकल जाएंगे। देखो जंगालिया जा पिया घूमते हो गए थे। देख इधर पार्क भी बनाया हुआ साथ में, कोई झूले झाले। आ जी नहर का पानी है कंट्रोल इतों होंगे, क्योंकि पुरानी नहर इतने आँदी है भरती है इन्होंने। नहर पर अगर इसको पानी रोकेंगे यहाँ इकट्ठा हो जाएगा सारा, यहाँ तक आया तो होगा ये। हाँ बदर बुंदर भी बैठे हैं। अब दिखाते हैं आपको उधर वाली, आ जाओ। ये देखो एक नहर उधर चलेगी, ये पुराना ब्रिज है, एक ये चलेगी जो मेन है, ये आगे जाके दो हो जाएंगी, मोगा आगे फिरोजपुर सारा इधर चले जाती। इधर नहीं आएगा वो, देखो ये मेन है जो आ रही है सरंद के नाल, एक ये तीसरी है, इसको बोलते हैं जोड़े पुला। इधर जगह है नहीं, उधर चलिए, ये है जी तीसरी। ये देखो यहां से तीसरी हो गई है, दो आपको उधर दिखा दी, ये थर्ड जा रही है, ये हमारे गांव को जाती है। तभी इसके लिए पापा इतने एक्साइटेड थे, जोड़े पुला पर लंगर भी लगा हुआ देखो, ठीक है जी। इसको दिखाते हैं रोक के, इसका भी फ्लो बड़ा, इसमें पानी बड़ा निकल रहा है। ये वाली तीसरी है देखो, इसका तो पानी वहां तक आ रखा है, या पता नहीं बरसात का पानी है, अब तो धूप भी आ गई है। ये देखो इसका पानी कैसे निकल निकल के आ रहा है नीचे से। ये पुराना पुल है, इसको थोड़ा सा वो कर रखा है, क्या कहते हैं, पेंट पुंट कली कुली मारी हुई है। देखो वो देखो वहाँ से नीचे रास्ता भी है यार, देखो ये भी पंजाब को जाता है। अभी इस नहर को इसीलिए पंजाब की लाइफ लाइन बोलते हैं, क्योंकि ये सारे पंजाब को पानी देती है। एक तो यहाँ को चलेगी, एक उधर लुधियाना चलेगी, एक इसके बिल्कुल पैरेलल इधर चलेगी मोगा फिरोजपुर, एक वो तीसरी उधर चलेगी लुधियाना, ये थर्ड है। देखो पानी कैसे लच लच करके निकल रहा है। ये है जी तीसरी नहर, द लाइफ लाइन ऑफ पंजाब। तुहानू पता है थल्ले उतरन की जगह भी है, वो कुत्ता फिरदा जिथे ਕੁੱਤਾ ਕੀ ਅਸੀਂ ਨਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰਾਸਤਾ ਬਣਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਥੱਲੇ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ। ਆਹੋ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਉਹ ਦੇਖੋ ਹੈਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਵੱਧ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਨਹਿਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਿੱਧੀ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਨੀਵੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਿੱਧੀ 'ਚ ਆ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਵੀਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਨਾ ਇਹ, ਇੱਧਰ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਉੱਚੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਨਾਲ ਵਾਲੀ। ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੋ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਜੋੜੇ ਪੁਲਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਮੇਂ। हाँ जी, इसका आगे जाकर दो बन जाती है। हाँ। जोड़ा पुल बनता है, जोड़े पुल वहाँ इसका नाम ही ऐसा है कि दो पुल है वहाँ। अच्छा। एक चली जाती है। कितने किलोमीटर दूर है यहाँ से होगा कम से कम भी कोई 40 किलोमीटर वहाँ, फिर दो बन जाएंगी। इसके आगे वाले की भी दो है, इसके आगे वाले और वो एक एक लिए है। पांच नहर बन जाती है, इसीलिए सारे पंजाब को पानी देती है, लाइफ लाइन है। जो लुधियाने वाली उसकी तो एक ही रहती है, वो तो एक ही है, लेकिन पंजाब तो सारा कवर हो गया ना। वो सितमा ब्रांच एरिया जाती जाती जलालाबाद आके मखू वगैरह चली जाती है वो। लेकिन ये वाली जो है, ये मोगा रायकोट जो बीच वाली है, बिल्कुल हाँ बिल्कुल, उससे आगे जाकर एक नहर निकलती है। हाँ। वो जाती है वहाँ सेना पदौड़ होकर बिल्कुल बठिंडा के बीच चली जाती है, बीच वाली उनमें से एक, बीच वाली में से। अच्छा, जब आके जाके दो होंगी उनमें से एक आगे चले जाए, एक राणा साहब होकर सेना पदौड़ अहमदगढ़ के पास से निकल के जाकर ये टल्ले आड़ वगैरह से निकलती हुई बीला, बीला से आगे सेना, सेना से आगे बठिंडा शहर में चली जाती है। यहाँ झील बनी है बठिंडा की उसी नहर के ऊपर। अच्छा, मतलब पगले वाली नहर है वो मोगा चली जाती है, मोगा के जो इधर है बदनी वगैरह ना,
वहाँ आ जाती है। कितने किलोमीटर आगे जाके दो हो जाती है? ये यहाँ 2 किलोमीटर से आगे जाकर बन जाती है, 2-2.5 किलोमीटर। अच्छा, ये आगे 40 किलोमीटर बाद होती है। ये 40 किलोमीटर जोड़े पर आते हैं, जोड़े पर से फिर 2 हो जाती है। इसमें तो कोई रोड भी नहीं है, उसमें तो रोड है? नहीं, रोड इसमें भी आगे जाकर है बनी हुई, लेकिन कहीं कच्ची या कहीं पक्की है, पाखड़ा टाइप है ये। मेनली कहने की बात ये कि ये लाइफ लाइन है, क्योंकि सारे पंजाब को पानी दे रही है। में 5 नहर कितना पानी है अंदाजा लगा ले, सारा पानी कंट्रोल करके उसका पानी मोका के ऊपर जाकर चला जाता है, यहाँ चिड़क वगैरह बागा पुराना उससे आगे निकल जाता है। और दूसरी बात ये है, दूसरी बात का बठिंडा में चला जाता है, तीसरी बात ये चीमा वगैरह मानसा के इधर जाकर पीखी के पास से ऊपर निकलती है। मतलब माझे में कोई नहीं जा रहा पानी इनका? इनका माझा कहाँ, ये तो मालवा है सारा, लुधियाना के परली तरफ ही नहीं जा रहा। मतलब इधर मालवा मालवा बेल्ट का पानी है, पंजाब की लाइफ लाइन थोड़ी हुई, पंजाब की लाइफ लाइन हुई, मालवा ही ज्यादा है ना पंजाब में। चलो एक बात और है, ये अब इसकी ओरिजिन कहाँ से हो रही है? ये हो रही है रूपनगर रोपड़ से, बिल्कुल हेडवर्क से रोपड़ में। एक्चुअली ये नहर आती है सतलुज दरिया से निकलती है, सतलुज से जो पानी पीछे से और सतलुज आती है रामपुर रिकॉन्ग वो टॉप से हिमाचल। हाँ, सतलुज का पानी ज्यादातर सतलुज में चला जाता है, लेकिन थोड़ा पानी कंट्रोल करके इस नहर में डाल दिया है। अगर आप देखेंगे रोपड़ जाएंगे ना कभी, वहाँ से सतलुज में से ये निकल रही है नहर, और उसके बाद आके डिवाइड होती जा रही है। ये कब बनाई थी? 1840 में सर्वे, 1882 में ये चालू हो गई थी। अच्छा, 1882 में, 1882 अंग्रेजों का राज था उस टाइम। तो देखो ये लाइफ लाइन है पंजाब की, आ जाओ इस साइड से भी देख लो, इसका व्यू है जो पता नहीं क्या पकड़ रहे हैं, नारियल के सिर से हैं वो, मच्छी तो नहीं है यहाँ, फीडर 3 जगह डिवाइड होगी, एक उधर चलेगी उधर से, 1-2 और ये तीसरी मेन नहर ये है, रोल लुधियाने वाला पुल, एक उधर को चलेगी, एक इधर को चलेगी और एक इधर आ गई। बेसिकली गाइस कहने की बात ये है, नटशेल जो बात है, बात का नचोड़ या समरी कह लीजिए आप, रूपनगर से शहर नहर शुरू हुई हुई, ठीक है जी, रूपनगर से शुरू होके ओरिजिन है इसका सतलुज रिवर, जो रिकॉन्ग पीओ से आ रहा है हिमाचल से, हिमाचल से आती हुई सतलुज रिवर रोपड़ में आके जब पहुंचती है तो वहां से इस नहर को निकाला गया 1882 में। उसके बाद दुराहा गुरु गोविंद सिंह मार्ग से होते हुए इस जगह पहुंचती है लुधियाना से पहले, और यहाँ पे आगे डिवाइड हो जाती है 3 में, और फिर आगे जाके जो बीच वाली जो मेन है वो आगे जाके 2 में हो जाती है, और ये जोड़े पुलना वाली ये भी आगे जाके 40 किलोमीटर में 2 में हो जाती है। तो नटशेल बात यह की जो मालवा बेल्ट है वो सारा इसका पानी है मालवा बेल्ट में जो यूज हो रहा है, ठीक है जी, ये बात है। तो इसको तभी लाइफ लाइन ऑफ पंजाब हमारे द्वारा नाम दिया गया, और वैसे भी है, ठीक है जी, ये सारी जो अभी आपको दिखाई वीडियो में ये सरहंद कनाल है जो रूपनगर से निकलती है। खाली पानी का नहीं, ट्रांसपोर्टेशन का भी इस नहर के ऊपर चलता है। पुराने टाइम में जितनी यातायात थी सारी इस नहर के ऊपर होती थी, जैसे कि किश्तियां चलती थी, किश्ती भी चलती थी किसी टाइम में, लेकिन इसके नदी के किनारे के ऊपर ये रोड बनी होती थी ना साफ से, ये लोग इसके ऊपर चलने के लिए या साइकिल या मोटरसाइकिल चलाने के लिए इसको यूज करते थे। आजकल तो सड़क बन गया, वो देखो सारे लोग उसके ऊपर जा रहे हैं, सड़क के ऊपर जा रहे हैं, और ये लुधियाने वाली तो बाईपास ही बन गया, सुदरन बाईपास, मतलब मेन इनमें से बीच वाली है, मेन वाली, मेन बीच वाली है। बाकी छोटा सा ब्लॉग था इस चीज के लिए, काफी देर से ये रह रहा था पेंडिंग, पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना वीडियो, ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंच सके कि ऐसे ऐसे सरहंद कनाल की हिस्ट्री क्या है, ठीक है जी, जो आपको दिखाई आज, खुद भी आगे देख सकते हैं पानी का फ्लो काफी है।